दुष्कर्म के नाम से जन जन में आक्रोश है। विरोध मार्च, कैंडल जुलूस निकाला जा रहा है। महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए का नारा लगाया जाता है, लेकिन आज झारखंड में दिनों दिन दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे ही झारखंड के राजधानी रांची में कडरू चुका टोली में 3 वर्षीय बच्ची के साथ में 25 वर्ष का लालू तिग्गा ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। छोटी बच्ची के सूझबूझ से आज उनकी जान बच गई और अभी लड़का जेल में है। मंगर को हम लोग छोड़ दिए, बुध को वही लड़का फिर से दोबारा जो जो उठाया प्रदीप बाबू उसी के सामने बोलता है पी करके कि तुम देखा तो का उखाड़ लिया, ऐसे बोल के बोला वही लड़का। तो वहीं से मैं गुस्सा लगा, इसलिए उस दिन छोड़ दिए थे। और तुम दोबारा ये फिर दोहरा रही बात को, तो इसका मतलब तुमको तो मिलना चाहिए, ये बोल के वहाँ पे 2-3 झापड़ दिया। उसके बाद ने वहाँ से दौड़ के आया मेरे आंगन में और हम दुकान से आ रहे थे। आने के बाद हमको वो लोग बोला कि तुम बुला करके गए भोंसड़ी, वहाँ पर मार खिलाई हम लोग को, एकदम सब मारने पिटने लगे चारों के चारों मिल करके। वहाँ उसका भाई मौजूद था, उसका भाभी मौजूद था, मगर वहाँ कोई मतलब नहीं बचा आया वहाँ पे। मतलब गंदा जैसा व्यवहार किया वो मेरा साथ, वो लोग पूरा नोच नाच दिया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, उतना भरत साहबा के सामने हमको पूरा बेइज्जत कर दिया। उसके बाद में भी बावजूद भी बच्चा को पीठने बांधने के लिए बोला, वैसी हमको थाना ले गया वो लोग। मेरा ऊपर केस नहीं किया, प्रदीप बाबू को ऊपर केस किया, जो बचाया उसके ऊपर केस किया। उसके बाद में दूसरा दिन हम लोग गए वहाँ और थाना में रिपोर्ट दिए, तो रिपोर्ट देने के बाद महिला समिति से हमको मिला। और फिर क्या हुआ कि हम लड़का को शुक्रवार का दिन में 3 बजे हम यहाँ से घर से उठा के ले गए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है लोगों को जगाना, प्रशासन की नींद को खोलना। क्यों आज ऐसे घिनौने काम करने वाले लोग 1-2 महीने में ही जेल से छुटकर खुलेआम घूमते हैं, और आज हमारा समाज इतना शिक्षित होकर भी उन घिनौने काम करने वालों का साथ देती है। जब मैं उस बच्ची से मिली थी और उससे बात की, तब मेरे रंगोटे खड़े हो गए थे, मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई। मोहल्ले की महिलाओं का कहना है, लालू तिग्गा का यह पहला प्रयास नहीं है, अपनी भगनी के साथ में भी दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और अन्य महिलाओं लड़कियों को भी जब कभी भी छेड़ते रहता है। बच्ची के परिवार के लोग दहशत में हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, लड़के को जेल से निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। डोरंडा थाना में FIR दर्ज किया गया है। मैं निर्मला, रांची, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।